विद भारत स्टेशन के अंतर्गत ये स्टेशन डेवलपमेंट हो रहा है और जिसका नक्शा पूरा फ्रीज हो चुका है और जो कुछ डेवलपमेंट में चेंजेस करने थे वो भी साहब ने निरीक्षण कर लिया है और वो चेंजेस हो जाएंगे उसमें। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड हैं और काम आपने देखा है कि सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है और इसे तीव्र गति से चलाया जाएगा और ये हमारा एम है हम लोगों के पूरे डिपार्टमेंट का कि जो टारगेट्स हैं उसके अंतर्गत ही हम एक साल के अंदर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नई ऐसी फैसिलिटी होगी जो पहले बाद में वो नहीं थी? देखिए सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है वो ये है कि एक वेटिंग एरिया काफ़ी बड़ा होगा, वेटिंग हॉल जो है वो होगा, डॉर्मेट्री भी होगा, साथ में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा होगी और जो अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है 12 मीटर का FOB बनेगा जो दोनों साइड को कनेक्ट करेगा, दोनों प्लेटफॉर्म को, और वो 12 मीटर का FOB होगा, उस पर एस्केलेटर होगा, लिफ्ट भी लगा होगा जो यात्रियों की सुविधा के लिए होगा, प्लस उसके ऊपर में कोई भी आम आदमियों के लिए भी अप्रोच होगा, वो उसमें प्लेटफॉर्म टिकट की आवश्यकता नहीं होगी, वो जा सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और साथ में एक ये डिफरेंट टाइप की फीलिंग होगी, वर्ल्ड क्लास फीलिंग होगी कि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर वेट कर रहे हैं FOB के ऊपर में और वहाँ से आप लैंड कर सकते हैं। साथ में आपने इसके अंतर्गत जो स्टेशन पे कोच गाइडेंस सिस्टम है वो होगा, सारा कंप्लीट लगा होगा, अभी भी हमारा लगा हुआ है लेकिन जिस सिस्टम नहीं लगा हुआ है वो भी लगा होगा, तो यात्रियों को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने का प्रयास है जो अगले 50 से 100 साल तक के लिए वो वैलिड होगा। पार्किंग एरिया एक, हाँ पार्किंग एरिया मैं कहना चाहूँगा जिसमें कि माननीय मंत्री जी ने ही इनिशिएटिव लिया था, पार्किंग एरिया बहुत ही विस्तृत हो गया है, ये जो पीछे यहाँ पर कस्टम्स का एरिया था जो यूज़ में नहीं था उसे एक्वायर कर लिया गया है और उस एरिया में पूरी पार्किंग होगी और इसमें जो प्लानिंग है इन और आउट का वो पूरा विस्तृत तरीके से होगा, व्यवस्थित तरीके से होगा जिसमें यात्रियों में सुविधा मिलेगी। साथ में जो एंट्रेंस है एरिया वो प्लेटफॉर्म लेवल पे होगा, अभी आज प्लेटफॉर्म से नीचे लेवल का है वो प्लेटफॉर्म लेवल पे होगा। देखिए LHB कोच जो है वो वर्ल्ड क्लास कोचेज हैं, उस उन कोचेज में जो कपलिंग की जो फैसिलिटी है वो डिफरेंट है, वो दैट इज़ सेफ, वो टेलीस्कोपिक डिज़ाइन है जिसमें कि एक तो राइडिंग इंडेक्स अच्छा होगा और इन केस ऑफ एनी अनसेफ कंडीशन वो एक दूसरे के ऊपर वो कोच चढ़ते नहीं हैं। साथ में इसके अंदर में एंड ऑन जनरेशन होगा जिसमें जनरेटर से उसमें सप्लाई आएगी और आगे आने वाले समय में जब विद्युतीकरण हो जाएगा और विद्युत की ट्रेनें चलेंगी तो उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई आएगी जिसमें जनरेटर भी हट जाएगा, तो अगर ट्रेन कभी कहीं खड़ी होती है तो उसको सप्लाई वो जनरेटर से मिलेगा या लोकोमोटिव से मिलेगा। तो इसके अंदर में जो सुविधा होगी वो अंदर जो फील होगा, नॉइज लेवल भी कम होगा इसके अंदर में, साथ में सेफ्टी के जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे इसके अंदर में। तो ये अभी जो भारत सरकार की जो नीति है उसके अंतर्गत LHB कोचेज ही लगाने की प्रोडक्शन हो रहा है उनका और यात्रियों की सुविधा के लिए उसी का प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें ये सौगात मिलेगी बाड़मेर को। ये देखें जो इलेक्ट्रिक जो विद्युतीकरण का काम हो रहा है वो एक्चुअली चरणबद्ध तरीके से होता है, कुछ फेजेस में होते हैं और इसको पूरी तरीके से जो उसका प्रचालन है वो तभी संभव होगा जब पूरी एरिया का कंप्लीट हो जाता है, पूरे सेक्शन का हो जाता है। तो जिसमें कि हमारे भिल्ली सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन है वो अभी चल रहा है काम उसका, प्लस जो जयपुर फुलेरा एंड पे जो है उसमें डबलिंग का कार्य हो रहा है और विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, उसके बाद में ही वो ट्रेनों का संचालन विद्युत इंजनों से होगा। कब तक माने सर, कब तक? हाँ ये हमारा टारगेट दिसंबर तक है, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में जैसे जैसे लोकोमोटिव्स के अरेंजमेंट्स होंगे तो उसकी पूरी प्रक्रिया नेशनल लेवल पे होती है कि किस तरीके से लोकोमोटिव दिया जाए, तो उसके बाद में चरणबद्ध तरीके से उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद सर इन फ्यूचर प्लान है जोधपुर जोन से बॉर्डर तक डबल लाइन का? देखिए डबलिंग किसी भी क्षेत्र में डबलिंग उसी समय होती है जब वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, वो ट्रैफिक के हिसाब से, तो अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है जिसके कारण डबलिंग के बारे में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर यात्रियों की सुविधा में अगर बढ़ोतरी होगी तो केंद्र सरकार अवश्य डिसीजन लेगा। सर